नमस्कार जनता लोग, मैं सृजन गुप्ता झांसी से और आप सभी का स्वागत है राइटर सृजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आपके लेके आए हैं टीवीएस एनटॉर्क 125 का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ इसका फ्रंट लुक है। ये अपनी टीवीएस एनटॉर्क 125 रेस एडिशन। इसमें अपनी आगे आती है एलईडी लाइट दी हुई है, मतलब इसमें हैलोजन नहीं है क्योंकि नॉर्मल मॉडल आता है जो उसका ड्रम ब्रेक है उसमें रहता है। बाकी इधर इंडिकेटर दी हुए हैं, इसमें नॉर्मल है जो कि अपने हैजार्ड है, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसके इंजन की बात कर लेते हैं तो इंजन इसमें आता है 124.8 cc और पावर बात कर लेते हैं उसमें रहते हैं 9.38 bhp। एंटर्क आता है वो रहता है इसमें 10.5 Nm। और इसका जो टायर का साइज है वो अपना है 12 इंच 100x80 एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे इसमें नॉर्मल रहता है। बाकी कुछ इसके डिज़ाइन दिए हुए हैं लाइक एंटॉक 125 रेस एडिशन के ये बैजेस लगाए हुए हैं। और इसमें बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो पूरा अपना फुल डिस्प्ले है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है। और ये देखिए हैजार्ड स्विच में ये दिए हुए हैं, इसमें चारों साइड के जलते हैं। और ये अपनी पासिंग लाइट दी हुई है, बाकी इंडिकेटर नॉर्मल इंडिकेटर। और किल स्विच है क्योंकि अब हर गाड़ी में बनने लगे हैं, नॉर्मल एक्टिवा में भी देने लगे हैं, इससे सही रहता है। अगर आप स्ट्रीट लाइट पर कभी रुके हुए हो तो इससे फ्यूल आपका बचता है। और बाकी इसमें तीन मोड दिए हुए हैं जो कि अपना एक स्पोर्ट मोड है, एक राइड मोड है और एक स्ट्रीट मोड है। बाकी इसमें अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, जो कि अपना रहता है बूट स्पेस 22 लीटर। फ्यूल टैंक है इसमें वो है अपना 5.8 लीटर का। बाकी इसके पीछे का टेल लैंप है जो कि मतलब अच्छा है भाई, बढ़िया लगता है रात में। पहले आता था उसमें ऐसा नहीं था, बाकी तो फिर अपने नॉर्मल इंडिकेटर हैं। अब आपको मैं इसका बूट स्पेस और दिखाता हूँ एक बार। तो इसमें अगर आपको बूट स्पेस खोलना है वो फ्रंट में नहीं है, एक्टिवा 6G में आने लगा ना, इसमें साइड में दिया हुआ है। आपको एक बार मैं इसका दिखाता हूँ भाई, अच्छा है। मतलब इधर एक अपनी LED भी दी हुई है जो कि रात में सही रहती है, आपको कुछ सामान देखना हो। इसका मैनुअल का है लेकिन इसमें बस एक दिक्कत है, अगर ये लूज़ हो गया ना तो फिर पूरा सामान नीचे गिर जाते हैं। बाकी अपना इसका फ्यूल टैंक है 5.8 लीटर का है। तो अब मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ। स्विच नीचे करना बिल्कुल फाइन है, मतलब लाइक स्पोर्ट्स बाइक की तरह है तो, बट इतना नहीं है। और स्पोर्ट्स बाइक में जो अपना आता है ना RTR 160 है, उनका एग्जॉस्ट बढ़िया दिया है। वीडियो आपको पिन बटन पे जाके देखना। अब आपको इसका हम ओनरशिप रिव्यू बताते हैं कि उन्होंने ये वाली गाड़ी क्यों ली है और अभी तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस जो इसके ओनर हैं वो है अपने ओलिवर भाई। हेलो, कैसे हो? ये भी अपने यूट्यूबर है यहाँ से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक करना। और कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बताइए कि आपने इस रेंज में और स्कूटी आते हैं तो यही प्रेफर क्यों करी थी? सबसे पहले मुझे इसका जो लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में इसको डिज़ाइन किया गया है। मुझे थोड़ा सा पावर चाहिए थी, थोड़ा लुक अच्छा चाहिए था, तो मैंने इस वजह से इसको लिया। लाइक अपनी सुजुकी एक्सेस 125 आती है, अप्रीला 125 है, उन सब का नहीं देखा था? देखा था, बट जिस हिसाब से इसमें फीचर्स थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, इसमें प्राइस को भी अगर देखें तो प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें और इसमें। तो फीचर्स के मामले में ये बहुत ज़्यादा आगे है अप्रीला और एक्सेस 125 से। और अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा, लाइक इसने कुछ परेशानी तो नहीं करी है? अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। अराउंड 5 मंथ से ज़्यादा हो गया मुझे इसको ड्राइव करते हुए, कोई भी अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना इंजन की ना पिकअप की। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और टायर्स वगैरह की बात करें तो सब कुछ बहुत अच्छा मुझे अभी तक मिला है। और सर्विस कैसी रही है, लाइक फर्स्ट सर्विस कराई होगी तो एक्सपीरियंस कैसा था सर्विस सेंटर पर? फर्स्ट सर्विस का सर्विस सेंटर में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ के जो भी मैकेनिक है, मैनेजर्स वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से, और ज़्यादा मुझे वहाँ पे ना तो वेट नहीं करना पड़ा, तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे सर्विस होती है और वे ऑफ टॉकिंग उनकी काफ़ी अच्छी है। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। और TVS में ऐसा कुछ भी है कि आपको मतलब सामने से वो दिखाते हैं जो पार्ट्स खोल रहे हैं सर्विस पूरा?
नहीं वो आपका ये है कि अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आप वहाँ खड़े होकर आप पूरी सर्विस देख सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। और क्या कहते हैं, सर्विस वो आपके सामने ही करते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि आपके पार्ट्स वगैरह वहाँ पे चुरा ले या निकाल ले, कुछ भी ऐसा वहाँ पे नहीं है। और अभी आगे के प्लान्स क्या हैं आप? आगे के प्लान्स बहुत हैं, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा कि आगे क्या क्या होने वाला है मेरे चैनल पे। नेम क्या है चैनल का आपके? ओली द ब्लॉगर। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वैसे आप ओली द ब्लॉगर डालना वो भी मिल जाएगा। तो गाइस ये वीडियो है, एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ बाइक राइडर सृजन, गुड बाय।